व्हाट्स अप गाइस, बॉलीवुड की दुनिया से एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग के लाए हैं जिसका टाइटल है टॉप 10 बॉलीवुड एक्टर्स बॉडी डबल, जो मतलब कि जो एक्टर्स यूज होते हैं जो उनके स्टंट कर जो असलियत में स्टंट करते हैं, तो टॉप 10 बॉलीवुड वो ऐसे कौन कौन है जो वो उनका किरदार, तो मतलब कि हमें रियल जो कई सारे स्टंट करते हैं उनको पहचानने में पता लगे, जैसे सलमान खान इन सब की मूवीज में उनके स्टंट कौन करता है, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जो अपने मोस्ट ऑफ द स्टंट जो है वो खुद ही करते हैं। हाँ, तो अभी देखते हैं तो इसमें कौन 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 स्टंटमैन है जो किन के लिए स्टंट्स परफॉर्म करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड इट इज फ्रॉम द चैनल ब्लॉकबस्टर बैटल्स, तो ऐसी अमेजिंग वीडियोस आप ब्लॉकबस्टर बैटल्स चैनल पे जाके एंजॉय कर सकते हो ओरिजिनल वीडियो के लिंक के थ्रू। और भाई चैनल पे नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियोस आप सजेस्ट कर सकते हो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। 1 2 3 गो। दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे बड़े बड़े बॉलीवुड सुपरस्टार के दिल दहला देने वाले एक्शन एंड स्टंट वो खुद नहीं करते बल्कि डुप्लीकेट यूज करते हैं, एंड वो डुप्लीकेट कौन है जानना चाहते हो तो बने रहो आखिर तक इस वीडियो में। साथ ही बताऊंगा टाइगर श्रॉफ एंड बिदू जामवाल इन दो हीरो के डुप्लीकेट स्टंटमैन कौन है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लाइक का बटन दबा करके। दोस्तों यहां पे टॉप 10 पर है सलमान खान जिन्होंने टाइगर जिंदा है, दबंग 3, रेस 3 बहुत सारी फिल्मों में स्टंट के टाइम डुप्लीकेट यूज किया है, एंड इनके डुप्लीकेट स्टंट मैन का नाम है जावेद इल बर्नी। दोस्तों टॉप 9 पर है यहाँ पे हमारे आमिर खान, एंड इनकी मूवी धूम 3 में किए जाने वाले बाइक स्टंट ये खुद नहीं किए थे बल्कि इसे कराया गया था उनके डुप्लीकेट स्टंट मैन से, एंड जितने सारे बाइक सीन थे भाई सीजीआई से इनके फेस को चेंज किया गया था, एंड बाद में सीजीआई एंड एडिटिंग के द्वारा हमें दिखाया गया कि भाई ये तो सारे एक्शन स्टंट तो आमिर खान कर रहे थे लेकिन रियल में कर कोई और रहा था। दोस्तों यहाँ पे टॉप 8 पर है बॉलीवुड के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान, एंड जब बात आई दोस्तों मूवी फैन की तो जो बाइक चेसिंग सीन थी एंड डिफरेंट डिफरेंट एक्शन एंड स्टंट थे इस मूवी में भर भर कर डुप्लीकेट स्टंट्स मैन का यूज किया गया या फिर कहें बॉडी डुअल का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों टॉप 7 पर आती है प्रियंका चोपड़ा की मूवी मैरी कॉम में किए जाने वाले दमदार बॉक्सिंग फाइट सीन खुद प्रियंका चोपड़ा ने नहीं किया था बल्कि इस मूवी के डायरेक्टर या फिर कहूँ फिल्म मेकर उमंग कुमार ने रियल बॉक्सर को हायर किया था, एंड मोस्ट ऑफ द दमदार सीन्स को प्रियंका चोपड़ा ने खुद नहीं बल्कि डुअल स्टंट परफॉर्मर ने परफॉर्म किया था। दोस्तों यहाँ पे टॉप 6 पर आती है कटरीना कैफ, ये भी बहुत सारी फिल्मों में डुप्लीकेट्स का इस्तेमाल करती है, एंड खासकर धूम 3 में किए जाने वाले एक्शन सीन में कटरीना ने खुद नहीं बल्कि इन्होंने भी बॉडी डुअल का इस्तेमाल किया था, यानी कि भाई बिना डुअल बॉडी के काम नहीं चलने वाला है। तो अब आ चुके हैं टॉप 5 के अंदर भाई, तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन में ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दे, क्योंकि टॉप 5 पर है द HRX ऑफ बॉलीवुड ऋतिक रोशन। इनकी मूवी दोस्तों मोहनजोदारो जो कि बॉक्स ऑफिस पर काफी सक्सेसफुल नहीं रह पाई, हालांकि इस मूवी में ऋतिक रोशन सर की बॉडी डुअल का इस्तेमाल किया गया था खासकर एक्शन सीक्वेंस के लिए। दोस्तों टॉप 4 पर है यहाँ पे हमारे अभिषेक बच्चन जिन्होंने मूवी रावण के लिए बॉडी डुअल यूज किया था, एंड इनके बॉडी डुअल का नाम था बलराम, एंड इन्होंने एक्शन फाइटिंग सीक्वेंस के लिए एज ए बॉडी डुअल यूज हुए। दोस्तों टॉप 3 पर है यहाँ पे हमारे अक्षय कुमार सर जो कि बहुत सारी फिल्मों में खुद ही एक्शन एंड स्टंट को परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब बात आई चांदनी चौक टू चाइना मूवी की लेकिन यहाँ पर इन्होंने डुप्लीकेट का इस्तेमाल करना सही समझा, एंड बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंस चांदनी चौक टू चाइना मूवी में अक्षय कुमार ने नहीं बल्कि इनके बॉडी डुअल ने निभाई थी। दोस्तों टॉप 2 पर है यहाँ पे भाई बॉलीवुड के बाजीराव यानी कि हमारे रणवीर सिंह जिंदगी ब्लॉकबस्टर मूवी बाजीराव मस्तानी मूवी में इन्होंने बॉडी डुअल का यूज किया था, खासकर बात हो घुड़सवारी एक्शन एंड फाइट को निभाने के लिए। आपको क्या लगा था ये सारे एक्शन एंड फाइट सीन हमारे रणवीर भैया खुद कर डालेंगे? अरे जरूरत पड़ती है भाई,
तो दोस्तों टॉप वन पर कौन है, जैसे कि मैंने कहा था टाइगर श्रॉफ एंड बिदु जामवाल, ये दोनों एक्टर्स के डुअल बॉडी स्टंट परफॉर्मर का नाम क्या है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं मैं टाइगर श्रॉफ एंड बिदु जामवाल बॉडी डुअल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये फिल्म में किए जाने वाले एक से बढ़कर एक एक्शन सीन को खुद ही निभाते हैं, चाहे हो बिल्डिंग से कूदना, पार्क और जंप करना, बैंड बजाना, इन सब के लिए अकेले ही काफी है, इन्हें बॉडी डुअल्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो वीडियो तो आया होगा पूरा पसंद, तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बगल वाले बेल आइकन में ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर देना, क्योंकि ऐसे ही धाकड़ एंड ब्लॉकबस्टर बैटल वाले वीडियोस बैक टू बैक हम लाते जा रहे हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आप सभी से मुलाकात होगी दूसरे बड़ी वीडियो में। भाई बहुत बढ़िया वीडियो बनाई थी, तीनों ने वो सीखी हुई है अक्षय कुमार ने और विद्युत ने। प्लस ये होता है कि जब थोड़ी सी एज ज्यादा हो जाती है ना, और जब बहुत बड़े सुपरस्टार जब बन जाते तो दिक्कत ये आती है, क्योंकि उनके ऊपर ना बहुत सारे लोगों का फाइनेंशियल बर्डन होता है, क्योंकि मूवी का सारा जोर शोर सारा पैसा उन पे लगा होता है, और वो क्या बोलते हैं सबसे बड़ी हस्ती है मूवी की, तो उनको इंजरी ना हो, शेड्यूल डिले ना हो, तो इसलिए स्टंटमैन कई बार यूज होते हैं, ताकि इंजरी होगी तो मूवी शूट भी डिले होगी। मतलब नहीं, कुछ को पसंद भी होता है, कुछ करते हैं, कुछ होता है ना, नहीं होता है, किसी किसी में जुनून होता है, जैसे विद्युत के अभी सनक देखी, सनक तो उसके अंदर वो सनक है कि नहीं कि उसको करना है। मैंने विद्युत के एक दो इंटरव्यू देखे हैं, मैंने टाइगर श्रॉफ अक्षय कुमार भी करता है, क्योंकि उनको सनक है ये वाली, उनको अच्छा लगता है। और जैसे सलमान खान हो गए, ऋतिक रोशन हो गए, ऐसे नहीं है ये सारे स्टंट्स खुद नहीं करते, करते हैं, लेकिन जो बहुत डिफिकल्ट स्टंट, जो मतलब ऐसा होता है कि रिस्क हो सकती है, जिसमें रिस्क इंजरी की होती है, तो उसमें बॉडी डबल, हाँ तब उसमें उनको यूज करते हैं, ये वाली बात है। और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी, एंड आई एम श्योर आप लोग को वीडियो काफी पसंद आई गाइस। इस वीडियो को यार लाइक करना मत भूलना, आपका फेवरेट एक्टर कौन है, जो मतलब की जो स्टंट वाइज अगर आप कहना चाहें। मुझे अच्छा लगा जैसे जो एक बॉडी डबल होते हैं इनको इतनी ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती इस वीडियो के, तो वीडियो से पता चला, नाम पता चला मैं कि किसका बॉडी डबल कौन है, ये बहुत अच्छी बात थी। एंड आई एम श्योर वीडियो देख के आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा यार, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आप अगर आप लोग को पसंद है कि वो हम सीरीज लाएं जिसमें टॉप 10 बॉलीवुड मूवीज या फिर टॉप 10 वेब सीरीज, इस टाइप की हॉरर मूवीज, टॉप 10 जो ये इस टाइप की, अगर लिस्ट चाहते हो कि उन पे हम रिएक्ट करें कि कौन सी हॉरर मूवी देखनी चाहिए या कौन सी थ्रिलर है, इस टाइप की वीडियोस पे भी आप रिएक्ट चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना, हम लाएंगे आप लोग के। और गाइस हम लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, और अभी कभी फ्री फायर का BGMI, और अभी हमारा सेटअप भी आ जाएगा जल्दी नेक्स्ट मंथ तक, तो हम और भी GTA 5 बहुत सारे गेम्स खेला करेंगे आप लोग के, हॉरर गेम्स भी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जुड़े रहो यार, ऐसी वीडियोस आप सजेस्ट करते रहो, लाते रहेंगे आप लोग पे, एक मस्त यूट्यूब है, अलग ही फैमिली बन जाए, आप लोग कमेंट करते हो ना अच्छी अच्छी चीज़ें, कुछ नेगेटिव भी आती है तो हम उनको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि देखो हर जगह क्या बोलते हैं, हर अब पत्थर तो दुनिया फेंकती है, हर का जवाब नहीं देना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिविटी हर जगह है, बहुत चिढ़ती है मेरे से, मेरी सुंदरता से बहुत चिढ़ती है, आज ही दाढ़ी कटवाएं तो, मिलते हैं बाय, ठीक है।